Hello everyone, I'm Dr. Nashin Afia and you're watching Dr. Nashin Afia YouTube. I hope that all of you would be fine and I'm thankful to you for watching this video. To watch more videos and vlogs like this, please subscribe my channel and press bell icon. जी तो आज हम इस शॉपिंग मॉल में क्या डिस्कवर करने जा रहे हैं? Just guess. Okay, मैं बता देती हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं मीट सेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए. इसके बारे में बहुत सारी कंस्पिरेसीज थी कि मीट सेक्शन में ये चीज होती है, इस टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, इस टाइप का मीट होता है, सी फूड्स किस तरह के होते हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ की नॉर्म्स, यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की लाइक एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइनीज पीपल. यहाँ पे किस तरह के फूड खाने या किस तरह का मीट खाया जाता है, तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे. तो गाइस आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि हम मिलकर इंजॉय कर सकें. ये हम जा रहे हैं मीट सेक्शन की तरफ इस शॉपिंग मॉल में. ये ब्रेड सेक्शन आप इंजॉय करें और इसके साथ ये जस्ट कोल्ड प्रेस्ड फूड्स हैं और यस इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने मुस्लिम योगर्ट या हलाल योगर्ट देखना है तो ये इस तरह का मार्क होगा. इस तरह के मार्क का मतलब है कि ये सर्टिफाइड हलाल है. ये कैरेक्टर्स हैं चिंगचन जिसका मतलब होता है हलाल. कोई भी फूड आइटम जिस पे आप ये वाला मार्क, ये वाला निशान देखें तो इसका मतलब है कि ये हलाल की स्टैंप है और आप और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी इसको यूज कर सकते हैं. ओके सो क्योंकि हम यहाँ से पास आउट कर रहे हैं लिहाजा यहाँ से हम कुछ और भी ग्रोसरी करते हैं. और गाइस आप मेरे साथ एंजॉय करें प्लीज. वीडियो क्विट करके आपने नहीं जाना. यस आई लव स्ट्रॉबेरीज. यस हमने ये स्ट्रॉबेरीज ली हैं और खाएंगे. नेक्स्ट ये हम आ गए मीट मार्केट में, मीट सेक्शन में. और यहाँ पे आप देखें कि बहुत ज्यादा वैरायटी है. एवरी काइंड ऑफ मीट प्रोडक्ट इज अवेलेबल हियर. और ये की लोकल डिशेज हैं बहुत सारी जो आपको हाफ के जी के लिहाज मिलती हैं. और ये इनका बारबेक्यू टाइप के आ जाते हैं. यहाँ पे आप रॉ फूड्स भी ले सकते हैं और ये अंदर जो कुक कर रहे हैं, जो पका रहे हैं खाना डिफरेंट इनके शेफ, वो आपको रेडी टू ईट स्टाइल में भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये इनके कबाब और सो मेनी वैरायटीज ऑफ द कबाब. बट मुस्लिम्स कांट ईट इट क्योंकि ये हलाल नहीं है. क्योंकि आप ये देखें कि जस्ट ये अंदर इनकी मशीन पड़ी है, उससे ये कट करेंगे और जस्ट पैकिंग करके यहाँ पे लगा देते हैं. ओके ये हम आ गए अब सी फूड सेक्शन में. यहाँ पे ये सीपियां और इस तरह का, ये गाइस यहाँ का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, बेस्ट सेलिंग फूड है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और ये जिसके बारे में आप लोगों को लगता था कि यहाँ पता नहीं किस टाइप का खाना खाया जाता है, तो ये देखें ये एक्वेरियम में बिल्कुल फ्रेश और जिंदा पड़े हैं. अगर आपने इनमें से जो भी लेने हैं आप जस्ट ये यस 98 यूएन के हाफ के जी मिलते हैं और देखेंगे ये काफी एक्सपेंसिव है. और आप अपनी मर्जी से बीच में स्किम करें और उठाएं, पैकिंग करें और जस्ट बिलिंग काउंटर पे जाके बिल करवा के ले जाएं. यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपने ये नहीं लेना या इस तरह से लेना है. और यस ये मछलियों की बहुत सारी वराइटीज हैं और रेट के लिहाज से डिफरेंट है. तो आप इनमें से जस्ट ये जिंदा है, जो भी आपको हाईली एक्टिव फिश लगेगी आप वो ये देखें. ये जो
जिससे आप छलनी कह लें या हुक कह लें, इससे आप कोई भी जिंदा मछली पकड़े। यहाँ पे इस सेक्शन पे आप जाके कहेंगे ओके यू वांट दिस वन, और वो आपको कट कर देंगे। यस, ये इनका जो प्रोसेस्ड मीट टाइप होता है वो वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे जस्ट चिकन, बीफ, मटन, ऑल द वराइटीज ऑफ मीट इज अवेलेबल है। यहाँ पे मीट की बहुत सारी वराइटीज हैं। यहाँ पे जानवरों का कोई नहीं होता कि ये कौन सा है ये कौन सा है, हर जानवर का आपको यहाँ से मीट अवेलेबल होगा। और ये पैक्ड फॉर्म में पड़ा है, और ये इनकी दूसरी प्रोसेस्ड फूड्स आ जाती हैं, और ये फ्रोजन आइटम्स में है। यस, ये आइस पे पूरी पूरी डक्स पड़ियां बतख हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के मीट पड़े हुए हैं। और मेन चीज यहाँ पे कि ये आइस सेक्शन है, उसके ऊपर सी फूड, मीट, हर चीज पड़ी है। आपको जो भी पसंद है ली जा सकती है। और यहाँ पे जो डक्स और चिकन है, अगर आप वो गौर से देखें तो फुली गर्दन समेत है, जस्ट उनके ऊपर स्किन है और कुछ नहीं, वगैरह या और वो सारा कुछ साफ कर चुके होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीलॉग। सो प्लीज गिव मी एक थम्स अप। बाय बाय।